दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में देर रात आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। ये घटना देर रात दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक की है। फिलहाल आग लगने की इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट ने आग पर काबू पा लिया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक बताया जा रहा है कि आग लगने की घटना नॉर्थ ब्लॉक के गृह मंत्रालय में घटित हुई, जिसके बाद आग की सूचना मिलते ही फायर डिपार्टमेंट की ओर से तेजी दिखाते हुए 7 दमकल वाहन भेजे गए, जिसने आग पर काबू पा लिया। बताया जाता है कि आग लगने की ये घटना देर रात 12:18 पर गृह मंत्रालय के टेलीफोन एक्सचेंज रूम में हुई थी। दमकल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्रालय के टेलीफोन एक्सचेंज के कमरा नंबर 82A और B से आग लगने की सूचना मिली थी। दमकल विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। आग की सूचना मिलते ही दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। दमकल विभाग के अनुसार देर रात तकरीबन 1:05 पर आग पर काबू पा लिया गया था। फिलहाल इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। इतना ही नहीं, दस्तावेजों को नुकसान हुआ है या नहीं, इसकी भी जानकारी सामने नहीं आई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।